आप जानते हैं कि डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा पेट। जिन लोगों को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, जो लोग अपने मेंटली स्ट्रेस से बहुत ज्यादा परेशान हैं, हर समय कहीं ना कहीं खोए रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन को हम डिप्रेशन का नाम लेते हैं। और ये जो डिप्रेशन है, ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से जाके पेट के साथ कनेक्टेड होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ उपाध्याय। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर डिप्रेशन जो है किस तरीके से पेट के साथ कनेक्टेड है, और दूसरी चीज, पेट की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कारण क्या क्या रहते हैं कि आखिर किन कारणों से जो है पेट की वजह से डिप्रेशन आता है, ये टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड नई नई जानकारियों के लिए और दवाइयों से होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट जरूर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडीज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होंगी। आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो है वो पेट से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम रहता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, ब्लॉटिंग बहुत सारे लोगों को होती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, लूज मोशन का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे लोगों को धरण का प्रॉब्लम रहता है, जिस धरण को डॉक्टर्स नहीं मानते, एलोपैथी जिस धरण को नहीं मानता, कोढ़ी का प्रॉब्लम रहता है, हमारी जो स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन के जो लास्ट पॉइंट होता है, स्टर्नम बोन का जो नीचे का पॉइंट होता है वो अंदर की तरफ घुस जाता है, उसको कौड़ी बोलते हैं। तो कौड़ी का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, उस कौड़ी की वजह से भी बहुत सारे लोगों को पेट का प्रॉब्लम्स आते हैं। नलों का प्रॉब्लम रहता है। अब ये नले क्या चीज है? नले जो होते हैं दोस्तों, ये नाभि के आसपास जितना जो हमारा एरिया है, नाभि के आसपास के एरिया के अंदर स्टिफनेस आ जाना, उसको हम नलों का नाम लेते हैं। ये नले की प्रॉब्लम होती है, उस स्टिफनेस को ही हम लोग जो है आम भाषा में नलों का नाम लेते हैं। तो दोस्तों, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हमारा भविष्य रहता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस किस तरीके से हम इसको क्योर कर सकते हैं, ये बड़ी ही समझने वाली बात है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जो है इन प्रॉब्लम को बड़ा ही आम मानते हैं। आम मानने का मतलब कि हम जो है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कई कई लोग जो है सालों तक, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल तक इस प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं और इसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहते हैं, किसी ने कोई चूर्ण बता दिया वो चूर्ण करते रहते हैं, खाते रहते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते रहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं लेती। जब ये प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग जो होती है वो होती है इसकी गैस बनने से। बहुत सारे लोगों को गैस का जो प्रॉब्लम आता है, उस गैस के प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या कंडीशंस आती हैं, ये समझने वाली बात है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अकेली एक गैस जो है ये आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को ला सकती है। क्या क्या बीमारियां हैं? अगर आपको गैस बन रही है तो वो इंटेस्टाइन को पुश करेगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाएगी। अगर आपको गैस बन रही है तो वो हार्ट को पुश करेगी, घबराहट होने लगेगी। अगर आपको गैस बन रही है, सर में चढ़ेगी, सर दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लग जाएंगे, उल्टी जैसा फील होगा। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो है ये पेट में केवल और केवल गैस बनने के कारण होती है। जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम रहता है वो अलग अलग तरीके की दवाइयां यूज करते रहते हैं, लेकिन उन दवाइयों का उनके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, दवाई जो है अपना काम करती ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में लोग क्या करते हैं कि तरह तरह की मेडिसिन को यूज करके और अपने अंदर जो है नेगेटिविटी को बिठा लेते हैं। अब ये नेगेटिविटी क्या करती है? जब किसी इंसान के अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, वो सोचेगा कि मैंने यार दवाई तो ले ली, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैंने दवाई ले ली, लेकिन इस दवाई ने ये ठीक नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, वो किसी दूसरी प्रथा को, दूसरी किसी ना किसी पैथी को जो है वो यूज करेगा। एलोपैथी से काम नहीं बना, होम्योपैथिक यूज करेगा। होम्योपैथी से काम नहीं बना, आयुर्वेदिक यूज करेगा, या कोई होम रेमेडी यूज करेगा, या किसी बाबा के पास जाएगा ठीक कराने के लिए कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक नहीं हो रहा, कुछ जादू मंत्र तंत्र कर दो जिससे ठीक हो जाए। लेकिन जब इन सारी चीजों से उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली ये ब्रेन पर जाकर अटैक करेगी और डिप्रेशन जैसी कंडीशन आने लगेंगी, बुरे बुरे ख्याल, गलत विचार आएंगे। विचार किस तरीके के? बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं, अब लाइफ में ये कभी ठीक नहीं हो सकता, और ये ठीक नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो मर जाना है। तो इस तरीके के विचार भी आपके दिमाग में आ सकते हैं कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, अब लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देने में ही फायदा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं और अगर उन ट्राइज से
आपको कोई फर्क नहीं मिला है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है आगे चीजें ट्राई करना ही छोड़ दें। बहुत सारी पैथी आज भी ऐसी पड़ी हुई है भारत के अंदर जो कि इंस्टेंट रिलीफ देने वाली होती है, आपको तुरंत फायदा होता है उनसे, और हम उन चीजों तक जो है नहीं पहुंच पाते। एक हमारे जो पूर्वज थे, देखिए मैं हिंदू हूं और हमारे हिंदू धर्म में जो है एक बहुत अच्छी प्रथा है उपवास करने की, फास्टिंग करने की, और ये केवल हमारे यहाँ नहीं है, ये सब लोगों के यहाँ ज्यादातर होती ही है। जैसे मॉमलंस में लोग रोजे रखते हैं, तो ये जो उपवास करने की प्रथा है, ये जो फास्टिंग करने की प्रथा है, ये बहुत अच्छी है। ये किस लिए होती है कि हम लोग जो अनशन खा रहे हैं, उल्टा सीधा जो हम खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। उस सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, उस सिस्टम को रेस्ट देने के लिए ये जो प्रथाएं हैं ये बनाई गई थी, लेकिन हमने इनको गलत ले लिया। आजकल तो लोग व्रत करते हैं और व्रत के साथ में स्पेशल थालियां आने लगी हैं कि ये फास्ट की थाली है। अगर आप अपने पास में किसी रेस्टोरेंट में जाके देखेंगे तो वहां आपको स्पेशली फास्टिंग थाली मिल जाएगी, यानी व्रत की थालियां। ये नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, नवरात्रों के अंदर जो स्पेशल थालियां आती हैं व्रत के लिए, तो ये कोई फास्ट नहीं है। फास्ट का मतलब अल्टीमेटली ये है कि आप जो है पूरी तरह से सिस्टम को रेस्ट दें, उसको आजादी दें कि अपने आप को तू डिटॉक्सिफाई कर ले, अपने आप को क्लीन कर ले। अब फास्ट करने का सही तरीका क्या है? देखिए मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा आपसे, सीधी एकदम टू दी पॉइंट बात करूंगा। अगर आपको पेट का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप तीन तरीके से फास्टिंग कर सकते हैं। तीन तरीके की फास्टिंग, किस तरीके की? सबसे पहले दिन आप केवल कोकोनट वाटर जो है फास्टिंग करिए, यानी केवल और केवल नारियल पानी पीजिए, दिन में 2 बार पी लीजिए, 3 बार पी लीजिए, 4 बार। आपको टोटल जो फास्टिंग है ये कोकोनट वाटर के ऊपर ही करनी है, केवल और केवल नारियल का पानी ही पीना, इसके अलावा कोई भी चीज खानी नहीं है। सादा पानी पीजिए और नारियल पानी पीजिए, इन दोनों को पीते रहिए, पानी की कमी शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरे दिन आपको क्या करना है, मैं आपको 3 दिन की फास्टिंग बताऊंगा केवल। दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन जो है आपको लाइट फ्रूट डाइट रखनी है। लाइट फ्रूट डाइट क्या है? हल्के जितने भी मौसमी फल है, मौसमी फल का मतलब जो इस मौसम में आ रहे हैं, अब जिस वेदर में भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस वेदर में जो भी आपके मार्केट में फल अवेलेबल हैं, क्योंकि इस मौसम के हैं, आपको वही फल जो है खाने हैं। कोकोनट वाटर प्लस फल जो अभी इस मौसम में आ रहे हैं, तो सेकेंड डे की फास्टिंग में आपको यही रखना है, नारियल का पानी और मौसमी फल। इन दो चीजों को करने के बाद जब आप थर्ड डे पे पहुंचेंगे तो थर्ड डे पे आपको क्या करना है, फल, कोकोनट वाटर और हरी सब्जियां। हरी सब्जियों के साथ में आप बॉइल्ड सब्जियां भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके की हो सकती हैं वो सब्जियां। रोस्टेड सब्जियां लीजिए, बहुत अच्छी है। रोस्टेड सब्जियां लेने का फायदा क्या है कि आपके अंदर एक तो जरूरी विटामिन्स मिनरल्स पहुंचेंगे, इसके साथ साथ जो शरीर के लिए जरूरी चीजें हैं वो शरीर को प्राप्त होंगी, साथ ही साथ आपके सिस्टम को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों फास्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है कि फास्ट करने के बाद क्या ये रिजल्ट जो है हमारी ये चेंज हो जाएंगे, क्या हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नो डाउट पूरी तरह से नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। बाकी की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से खत्म करें दोस्तों, उसके लिए दुनिया में बहुत सारी थेरेपी हैं जो आपके लिए बनी हुई हैं, आपके शरीर को सूट कर सकती हैं। हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी एक चीज ट्राई की, किसी भी एक जगह ट्राई की, और हमने अपने बारे में या उस थेरेपी के बारे में एक दिमाग के अंदर एक भूत बिठा लिया कि नहीं इससे कुछ नहीं होना। मान के चलिए मैंने कोई एक थेरेपी स्टार्ट की और उस थेरेपी से मुझे रिजल्ट नहीं मिले, तो मैंने अपने अंदर जो है एक नेगेटिविटी बिठा के रख ली कि ये थेरेपी बेकार है, इस थेरेपी से कुछ नहीं होना। भैया आपको अगर रिजल्ट नहीं मिला है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो थेरेपी खराब है। उसी थेरेपी से, सेम ट्रीटमेंट से सैकड़ों लोग ठीक हो चुके हैं, हो रहे हैं और होंगे। आपके शरीर को अगर सूट नहीं किया तो ये आपके शरीर का प्रॉब्लम है। खैर अगर सूट नहीं किया कोई बात नहीं, अब सेकंड चीज अप्लाई करिए, कुछ और देखिए ट्रीटमेंट। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सैकड़ों तरह की थेरेपी हैं जो कि आपके लिए बनी हुई है, आपके शरीर को 100% उनसे लाभ होगा ही होगा। हम मैं आपको अपनी खुद की बात बताऊं तो हम लोग जो है अपने सेंटर के अंदर 4 से 5 थेरेपियों को मिक्स करके करते हैं। बहुत सारे लोगों के हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, बोलते हैं कि सर आप न्यूरोथेरेपी करते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ हम न्यूरोथेरेपी भी करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम न्यूरोथेरेपी के साथ साथ और भी काफी सारी चीजों को मिक्स करके करते हैं। क्यों? तो बहुत सारे अगर हमको किसी एक थेरेपी से रिजल्ट नहीं मिलते,
उसका रीजन क्या रहता है कि अगर मान के चलिए आपका शरीर जो है एसिडिक है या एल्कलाइन है, बहुत सारे फैक्टर्स एक्चुअली होते हैं उसमें जिससे आपके शरीर में एक थेरेपी से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम दूसरी थेरेपी को अप्लाई करते हैं उनके ऊपर, दूसरी से रिजल्ट नहीं मिल रहे, तीसरी अप्लाई करते हैं, चौथी अप्लाई करते हैं। ऐसा सवाल ही, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको रिजल्ट ना मिले। 100% रिजल्ट मिलने की गारंटी है हमारी, आपको 100% रिजल्ट निकाल के देंगे हम, ये डेफिनेट है और ये होने वाला है। दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि आपको रिजल्ट मिलने से या आपको ठीक होने से रोक सके, बशर्ते कि एक सही ट्रिगर की, एक सही पॉइंट की जरूरत है आपको। दोस्तों इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, इंक्लूडिंग डिप्रेशन, जिन लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है उनके डिप्रेशन को भी खत्म करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। फास्टिंग मैंने आपको बताई ही है, इसके साथ ही साथ ट्रीटमेंट जो होते हैं इसके, वो हम लोग अपने सेंटर के ऊपर करते हैं, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। कितनी भी पुरानी डिजीज क्यों ना हो आपकी, आप कितनी भी पुरानी परेशानी से जूझ रहे हो, आपको 100% रिजल्ट देंगे हम। तो दोस्तों बिना समय खराब किए हमारे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन लीजिए, अगर पॉसिबिलिटी होती है तो आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है आपको केवल डाइट से भी हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, आप सबसे पहले कॉल करके अपनी कंडीशंस को डिस्क्राइब कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको क्या बोलते हैं, क्या आपके लिए सुइटेबल रहेगा, ये आपको बता दिया जाएगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत अच्छी नॉलेज है, सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है।